तो भाई आप पे कंपनी का भी इलेक्ट्रिक ई रिक्शा आने लगा। हाँ क्या तो गाइस इसमें 12 इंच के आपको टायर मिल जाएंगे। तो गाइस ये इसका डैशबोर्ड, तो गाइस ये देखो ऑन हो चुका है इसका पूरा डिजिटल मीटर है, ये आपको पूरा डिजिटल मीटर के साथ मिलेगा ठीक है। तो इसमें अभी ये न्यूट्रल पे न्यूट्रल पे चला हुआ है, गियर पे कैसे डालेंगे? इसमें सर गियर गियर क्लच कोई क्लच नहीं है, कोई वो नहीं है, प्लेन हैंडल है। प्लेन हैंडल है। अच्छा ये स्विच टाइप स्विच दे दिया हुआ। तो गाइस यहां पे आपको देखो ये रिवर्स है ना, ये न्यूट्रल, ये फास्ट, और ये बी मतलब बूस्ट, बूस्ट लगा हुआ है, भी लगा है। ये देखो भाई ये जीपीएस पहली बार देखा हूँ भाई कोई गाड़ी में जीपीएस लगा है। और बाकी यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो कितने जन बैठ जाएंगे। बीएस में कितने जन की पासिंग है? 3-1 की पासिंग है सर। 3-1 की, यानी चार जन आप बैठा सकते हो, एक यहाँ पे ड्राइवर बैठ जाएगा, बाकी आपको अलग से बैठाना तो भाई आप जुगाड़ कर सकते हो, इंडिया का नाम तो है। एक बार चार्जिंग में ये कितने किलोमीटर चलती है? 145 एक टाइम के चार्जिंग में। और जो आप इको मोड ले रहे हो तो इको मोड में कितनी 5-10 किलोमीटर का जी जनरेटिंग है, तो यानी मिनिमम 150 चलेगी, 150 मान के चलिए, 150 आप मान के चलो। तो भाई 150 किलोमीटर चल रही है एक बार की चार्जिंग में। और भी ये चार्जिंग टाइम तो बहुत ज्यादा ले रही होगी, 3 घंटे 45 मिनट में फुल चार्ज, 3 घंटे 45 मिनट में फुल चार्ज। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज के व्लॉग में भाई आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ भाई आप्पे के ई रिक्शा। तो गाइस मैं अभी खड़ा हूँ आप्पे के शोरूम पे ठीक है, और मेरे पीछे खड़े हुए हैं आप्पे के ई रिक्शा ठीक है। तो चलो अंदर चलते हैं और पूरे ई रिक्शा की डिटेल लेते हैं। और अभिषेक भैया कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो इस बार अपने सब्सक्राइबरों के लिए क्या लेके आया हो भाई? सर मैं लेके आया हूँ आप्पे ई सिटी का FX मैक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो भाई आप्पे कंपनी का भी इलेक्ट्रिक ई रिक्शा आने लगा है। तो भाई देख लो आप्पे कंपनी का ई रिक्शा आने लगा है, ये देख लो आप्पे कंपनी का, आपको यहाँ पे पियाजियो का ब्रांड है। ये पियाजो है लेकिन आप्पे नाम से आप लोग ने बहुत मशहूर की है और ये ब्रांड चलता ही आप्पे के नाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक बात बताइए, इसमें खासियत बात क्या है? सर खासियत ये है कि सर इसमें आपको बड़े टायर 12 इंची टायर मिल जाएंगे। तो अच्छा इससे पहले कितने इंची टायर आते थे? 9 इंची टायर आते थे, अब इसमें 12 इंची आते हैं। तो भाई इसमें 12 इंची के आपको टायर मिल जाएंगे, 12 इंची की डिस्क होगी सर, है ना, 12 इंची की डिस्क होगी। टायर चौड़े भी टायर है इसमें। तो गाइस देख लो टायर से ही आपको शुरुआत हो गया, तो यानी टायर बड़ा है, यानी कि आपको यानी ब्रेकर वगैरह या गड्ढे वगैरह में आएगी तो गाड़ी थोड़ा सा वैसे ही रहेगी। और पहले जो टायर आते थे थोड़े से छोटे छोटे आते थे, और इसका लुक भी आप देख सकते हो, लुक भी देख सकते हैं, स्टाइलिश स्टाइलिश एकदम, यानी थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश की गई है। तो इसमें क्या 3 साल की वारंटी मिल रही है? 3 साल की सुपर वारंटी है। तो भाई इसमें 3 साल की वारंटी मिलने वाली है आपको, सुपर वारंटी, और आप पे ECT के नाम से ठीक है। FX Max यानी न्यू मॉडल आया है ना ये वाला? हाँ नया मॉडल। तो इसके भाई थोड़े से फीचर्स बताओ। फीचर्स बता दूंगा आपको। तो गाइस ये इसका डैशबोर्ड, तो भाई देख लो कितनी ज़्यादा स्पेस है भाई, देख रहे हो जगह, देखो यार गाड़ी में बहुत ही सही है। और बाकी यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो कितने जन बैठ जाएंगे। बीएस में कितने जन की पासिंग है? 3-1 की पासिंग है सर। 3-1 की, हाँ यानी चार जन आप बैठा सकते हो, एक यहाँ पे ड्राइवर बैठ जाएगा, बाकी आपको अलग से बैठाना तो भाई आप जुगाड़ कर सकते हो, इंडिया का नाम तो है ही भाई जुगाड़। और यहाँ पे देखो आपको स्पेस मिल जाएगा, छोटे से डोर हैं ठीक है। साइड प्रोफाइल देख लो गाड़ी की कितनी औसम है। तो चलो मैं आप लोगों को फीचर्स दिखाता हूँ। तो भी इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। फीचर्स सर हैंडल बार आपका स्टीयरिंग है। अच्छा ये काहे के लिए? यहाँ मोबाइल रखने के लिए। हाँ सर कॉइन वाइन अपन रख सकते हैं, कॉइन रख सकते हैं, मोबाइल बता सकते हो ठीक है। डिजिटल मीटर है। तो गाइस ये देखो मैं चालू करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो ऑन हो चुका है इसका पूरा डिजिटल मीटर है, ये आपको पूरा डिजिटल मीटर के साथ मिलेगा ठीक है। तो इसमें अभी ये न्यूट्रल पे न्यूट्रल पे चला हुआ है, गियर पे कैसे डालेंगे? इसमें सर गियर गियर क्लच कोई क्लच नहीं है, कोई वो अच्छा, नहीं है, प्लेन हैंडल है। प्लेन हैंडल है। अच्छा ये स्विच टाइप स्विच दे दिया हुआ। तो गाइस यहां पे आपको देखो ये रिवर्स है ना, ये न्यूट्रल, ये फास्ट, और ये बी मतलब बूस्ट, बूस्ट एक्स्ट्रा पावर के लिए दिया हुआ है। अच्छा यहां पे जहां पे आपको ताकत लगेगी गाड़ी की यहाँ पे बूस्ट में डाल सकते हो ठीक है, ऐसे न्यूट्रल पे रहेगी। और बाकी आप इसका डिजिटल मीटर देख सकते हो, जब आप यहाँ पे रिवर्स पे डालोगे तो यहाँ पे आपकी रिवर्स की लाइट जल जाएगी, आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे ही देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे डली है ठीक है। फिर आपको न्यूट्रल करना है तो यहाँ से न्यूट्रल हो जाएगी गाड़ी, फिर यहाँ से आप डालोगे फास्ट मोड पे, यहाँ से आपकी गाड़ी थोड़ी सी तेज हो जाएगी, इसके बाद फिर बोल्ड मोड पे चली जाएगी ना, बूस्ट मोड पे आ जाएगी, बूस्ट मोड पे सॉरी। तो गाइस यहाँ पे बूस्ट मोड पे आ जाएगी ठीक है। तो भैया इसमें एक बात बता रहे थे आपकी, यानी बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो कौन सा मोड चलता है? इकोनॉमिक मोड चालू हो जाता है उसमें। अच्छा इसमें ऑटोमेटिक, हाँ जी जनरेटिंग दिया हुआ है इसमें, 5-10 किलोमीटर का जी जनरेटिंग है आपके। तो गाइस मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो अभी तो आपने इग्निशन यहाँ पे देख रहे हो, ये ऑयल की लाइट है। हाँ जब ब्रेक ऑयल अगर कम होता है तो वो लाइट आपकी लाइट जलेगी। और ये बैटरी, जब बैटरी का एक पॉइंट बचेगा आपको जो सिंबल चालू हो जाएगा वो, अच्छा मतलब आपको
जैसे क्लच और ब्रेक का ज्यादा काम होता है गाड़ी में, तो जैसे अभी स्मार्ट कट आया तो उसी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे आपकी ये वाली लाइट जल जाएगी, ठीक है। ऊपर इंडिकेटर का है, ठीक है। तो ये आपको मैंने आर एन एफ बी सब दिखा दिया हूँ। ये टेम्परेचर का है अभी, ये टेम्परेचर जैसा गाड़ी में कोई मोटर हीट होती है या कुछ भी होता है उसके लिए टेम्परेचर दिया हुआ है। अच्छा, उसके लिए जी। और ये ई मोड का है, ये इकोनॉमिक मोड है, जब गाड़ी बैटरी डाउन हो जाती है तो ई मोड में चल जाती है, ई मोड पे चली जाएगी। और वैसे एक बार चार्जिंग में कितने किलोमीटर चलती है? 145 एक टाइम के चार्जिंग में। और जो आप इको मोड ले रहे हो तो इको मोड में कितनी? 5-10 किलोमीटर का जनरेटिंग है, तो यानी मिनिमम 150 चलेगी, 150 मान के चलिए, 150 आप मान के चलो। तो भाई 150 किलोमीटर चल रही है एक बार की चार्जिंग में। और भी ये चार्जिंग टाइम तो बहुत ज्यादा ले रही होगी, 3 घंटे 45 मिनट में फुल चार्ज, 3 घंटे 45 मिनट में फुल चार्ज। तो भाई बहुत सही है यार, यानी आप लोग एक इलेक्ट्रिक ई रिक्शा लेने की सोच रहे हो तो यहाँ पे आ सकते हो। तो भैया इसमें कितने वाट की मोटर डली हुई है? इसमें मोटर है तो 3500 RPM की है, 8 किलोवाट की मोटर है। 8 किलोवाट की। और बैटरी कितने एमएच की? बैटरी है 8 किलोवाट की, 51.2 वोल्टेज की, 51.2 वोल्टेज की है। अच्छा, 5.5 किलोवाट का इसमें 5.44 का मोटर है। अच्छा, 3 फेस मोटर है। तो ये बताइए, ये मोटर की रिप्लेसमेंट रहती है या गारंटी में दे रहे हो? 3 साल सुपर वारंटी दी है सर। अच्छा, 3 साल तक तो कस्टमर को देखना नहीं है कि गाड़ी में क्या है, 10 सर्विसिंग फ्री देते हैं। अच्छा, 10 सर्विसिंग फ्री है जी। तो इसमें वैसे मेंटेनेंस लाइक क्या रहता है? मेंटेनेंस लाइक कुछ जीरो मेंटेनेंस है, जीरो मेंटेनेंस है। बस तो चार्ज कीजिए और चलाइए, बस चार्ज करो और चलाओ। तो भाई देख लो, आप लोग लेने के लिए सोच रहे हो तो भाई इसकी तरफ जा सकते हो, उसमें आपको 4, 2, 6 यहाँ पे बैठ सकते हैं, यानी मैं अपनी तरफ से बताऊं, ठीक है। बाकी आप जितने बैठा, GPS भी लगा, GPS लगा हुआ है, टेलीमेटिक्स लगा हुआ है, भी लगा है। ये देखो भाई, ये GPS पहली बार देखा हूँ भाई कोई गाड़ी में GPS लगा है, जो कि इस गाड़ी पे लगा हुआ है। तो इसमें प्लेयर लगा हुआ आता है क्या? नहीं सर, वो आप कस्टमर को लगवा। अच्छा, वो अलग से आएगा। तो भाई प्लेयर नहीं लगे हुए आएंगे, बाकी स्पीकर के कटआउट लगे हैं यहाँ पे, देखो। इमरजेंसी स्विच दिया, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट सर्किट होता है। अच्छा, ये इमरजेंसी स्विच दिया, तो ये इसको कैसे दबा देंगे? बंद हो जाएगा, पूरा कनेक्शन कटआउट हो जाएगा। ये देखो कटआउट हो गया। अब इसको खोलने के लिए उसके हल्का सा इसको सर पुश करेंगे अपन। अच्छा, हल्का सा पुश करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, ये बाहर आ गया, तो फिर चालू हो जाएगी। तो गाइस ये समझ लो मेन स्विच हो गया भाई, जैसे कि आपकी गाड़ी में कुछ भी फॉल्ट हुआ है, ठीक है, तो आप इसको दबा दो, आपकी पूरी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो भैया ये बताओ, कस्टमर इसको कितने दे के घर पे ले जा सकता है? 60,000 डाउन पेमेंट पे सर। 60,000 डाउन, बिल्कुल। तो गाइस 60,000 डाउन पेमेंट में आप इसको अपने घर ले जा सकते हो, यानी कि आप एक इलेक्ट्रिक ई रिक्शा ढूंढ रहे हो तो आप आपे की तरफ आ सकते हो, ठीक है। फाइनेंस की पूरी सुविधा है अपने, अपने पूरी फाइनेंस, पूरा फाइनेंस की सारी सुविधा। तो अच्छा, इसके पीछे क्या है? पीछे दिखाओगे? आइए, मैं पीछे का लुक बताता, पीछे देखे शानदार लुक है पीछे भी। तो गाइस ये पूरा पीछे का लुक, ठीक है। तो इसको खोल के दिखाना एक बार भैया, इसमें कुछ जगह रहती है क्या? अच्छा, यहीं पे पूरा है इसका, इसमें जो बैटरी लगी हुई है वाटरप्रूफ बैटरी। अच्छा, ये वाटरप्रूफ बैटरी है। तो गाइस ये लगी हुई है पूरी बैटरी, और यहीं पे पूरी वायरिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं भाई, सब आगे ही है, ठीक है। कभी कोई बैटरी करवाते हैं तो आप इसको निकाल सकते हैं, बैटरी मेन कनेक्शन है। अच्छा, बैटरी मेन कनेक्शन वही है। तो भाई ये रहा शानदार लुक होने वाला है इसका, चार्जिंग पोर्ट, ये यहाँ पे इसका चार्जिंग कनेक्ट होगा और यहीं से चार्ज होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक छोटी सी बैटरी और देखने मिल रही है, जो कि इग्निशन वगैरह यूज़ के लिए रहेगी, ठीक है। जैसे आप अपना ये मीटर वगैरह ऑन करोगे, GPRS जो चल रहा है, बाकी ये छोटी ही बैटरी से चलेगा, ठीक है। मेन बैटरी से सिर्फ आपका ई रिक्शा चलेगा। तो भैया इसमें एक और मॉडल आता है क्या? क्या सर? इसमें एक और मॉडल आता है, इसमें FX आता है, ये वाला। हाँ, FX इसी में आता है, FX, जे FX Max है, नया लॉन्च। अच्छा, ये ई रिक्शा है और लोडर के हिसाब से ये आएगा। हाँ, ये कार्गो में अपने लोडर। तो गाइस ये ई लोडर है, देख लो आप लोग, सेम प्रोसेस है इसमें भी सर, सेम है। हाँ, तो गाइस देख लो इसका लुक भी सेम है। तो भी इसकी डाले की लंबाई और चौड़ाई 6 फीट 4। तो गाइस देख लो, और यहाँ से इसका खोल के दिखाना है ये पीछे का, और यहाँ पे मोटर लगी है, शानदार लुक है इसमें। तो गाइस यहाँ पे इसकी मोटर लगी हुई है, और यहाँ पे आपको ब्रांड ई बॉक्स जाएगी, ई बॉक्स है। ये देखो पूरा आपको, देखो कंपनी का नाम दिख गया, ठीक है। तो चलो मैं एक बार आपको केबिन दिखा देता हूँ। इसका केबिन भाई बहुत, देख रहे हो, बहुत बड़ा बड़ा टाइप लगता है मेरे को, देख रहे हो, पूरे सेम फीचर के साथ आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, इसमें अलग है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसमें GPRS देखने फिर से मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मीटर ऑन करोगे तो सेम टू सेम वैसा ही मीटर है, ठीक है। यहाँ पे पूरी लाइट सेम है। तो भैया एक बात बताना, इसकी लोडिंग कैपेसिटी कितनी है?
लोडिंग कैपेसिटी जैसा 8 क्विंटल आराम से लोड करके आप चला सकते हैं। इसकी पासिंग कितने की है? 5 की, 5 क्विंटल की, आप 8 क्विंटल तक चला बिल्कुल आराम से। तो इसमें भी टायर सेम है? सेम टायर है, 12 इंच टायर दिए हुए हैं, 12 इंच डिस्क के साथ टायर लगा हुआ आ रहा है, हैवी सस्पेंशन दिया हुआ है सर। अच्छा, सस्पेंशन जो पहले आता रहा वो पतला आता था, इसमें हैवी सस्पेंशन थोड़ा दे दिया, स्प्रिंग बार दिया पीछे भी, तो पीछे भी तो सेम है। अच्छा, यहाँ पे इसकी स्टेपनी है, स्टेपनी दे दिया, स्टेपनी लगी हुई है गाड़ी की, ठीक है। तो भाई पीछे से देख लो भाई, पूरा सेम टू सेम लुक है, ठीक है। देख लो LD प्लस है, ठीक है, एक्स प्लस, LD एक्स प्लस। तो इसकी थोड़ी सी चौड़ाई और लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है। पे भी कितने में आप दे दोगे? 60,000 डाउन पेमेंट, 60,000 डाउन पेमेंट। तो गाइस ये भी 60,000 डाउन पेमेंट आपको मिलने वाला है, या आपको ये चाहिए हो या ये चाहिए हो, ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है। तो भैया इसका फुल प्राइस कितना होने वाला है? 4,12,50। RTO इंश्योरेंस आपको इंक्लूड मिलेगा, 4,31,750 में आपका पूरा। इसमें कभी कोई ऑफर वगैरह चल रहा है क्या? अभी ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर चल रहा था हमारे यहाँ, नवंबर माह तक है, अभी नवंबर में पूरा चलेगा। 3,99 कैश, 3,99 कैश। तो भाई 3,99 कैश ले आओ, गाड़ी ले जाओ, बाकी नहीं है तो भाई 60,000 भी ले आके, 60,000 में आप गाड़ी ले जा सकते, ले जा सकते हो। और बाकी इसकी कीमत कितनी होने वाली है? इसकी भी सेम है सर, 4,10 कैश, 4,10 कैश। तो भाई 4,10 कैश में आपको ये मिलने वाला है, बाकी तो मैं बोलता हूँ भाई 60,000 जमा करके लेके जाओ, आपको चलाना। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है हमारे, फाइनेंस की पूरी सुविधा है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लग जाएंगे भैया? पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, ठीक है। तो भैया अपना एक बार एड्रेस बता दो। जबलपुर RTO के सामने, पाटन रोड कर मेहता। तो गाइस जबलपुर RTO के जस्ट सामने ही है इनका शोरूम, ठीक है। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में ही आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको देख लो, अनिल मोटर सॉल्यूशन, मोटर सॉल्यूशन लिखा है। तो गाइस यहाँ पे देखो पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, कर मेहता जबलपुर, यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, अनिल मोटो सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी आपको गाड़ी पसंद आती है तो मैं तो बोलता हूँ एक बार विजिट करो, टेस्ट ड्राइव लो, उसके बाद लो। तो भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है। तो भाई ये है इनका कार्ड, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी इसमें पूरा एड्रेस मेंशन है और इसमें नंबर आपको दिख रहा होगा। बाकी मैं तो बोलता हूँ भाई एक बार आओ, टेस्ट ड्राइव लो गाड़ी की, उसके बाद लो। तो भाई यार देखा, यानी आप लोग एक ई रिक्शा लेने की सोच रहे हो तो भाई आप्पे की तरफ आ सकते हो, यानी आप्पे का भी ई रिक्शा आ चुका है, जो कि है आप्पे ECT के नाम से, जो कि एक बार चार्ज करने में 150 किलोमीटर चल रहा है, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। और भाई एक बार की चार्जिंग यानी 3 घंटे 45 मिनट, इन लोग बोले 3 घंटे 45 मिनट चार्जिंग में लेगा फुल चार्ज होने पे, भाई बेस्ट है, और क्या चाहिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में ही आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करो, सब्सक्राइब मारो अपने भाई के चैनल को, जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी आई बटन में आ रही है, ये रथ हमने चेक कर लेना। तो गाइस मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।